दोस्तों संगम अगेन के डे 3 की मॉर्निंग शो की ऑडियंस ऑक्यूपेंसी बताने वाला हूं। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अजय देवगन की फिल्म संगम अगेन को लेकर लोगों में प्यार है, लोग इस फिल्म को पसंद भी कर रहे हैं, लोग इस फिल्म को देखने भी आ रहे हैं और यहां पे जो ऑक्यूपेंसी स्टेटस है वो आपको क्लियर तौर पर बताना चाहता हूँ। सिंघम अगेन है स्टार्टेड ऑन ए ग्रेट नोट इन मॉर्निंग एंड फिल्म का रिस्पॉन्स अभी बहुत ज्यादा बढ़िया और तगड़ी तरह से आ रहा है। सबसे बढ़िया चीज आपको ये बताना चाहूंगा कि सिंघम अगेन की ऑक्यूपेंसी बिल्कुल फर्स्ट डे के हिसाब से चल रही है। जो इस फिल्म को फ्राइडे था उस तरह की ऑक्यूपेंसी फिलहाल नजर आ रही है, 40% के आसपास इसकी ऑक्यूपेंसी है। डे वन की भी 40 थी, कल 38 गई थी 38%, लेकिन आज वापस से 40% ऑक्यूपेंसी है। मॉर्निंग शो की और आफ्टरनून इवनिंग नाइट शोज बेहतर होने वाले हैं। हर घंटे की बात करें तो हर घंटे पिछले घंटे की बात करें सुबह की तो 11 से 12 बजे के बीच में तकरीबन जो टिकट्स बिक्री हो रहे हैं 32-33K टिकट्स बिक्री होते हैं, 30,000 टिकट बिक्री हो रहे हैं हर एक घंटे में, यानी कि 3.5 करोड़ हर घंटे में फिल्म का कलेक्शन हो रहा है, 3 करोड़ कम से कम। तो अपने आप में ये बहुत अच्छी और कमाल की बात है। अब देखने वाली बात ये है कि किस तरह से फिल्म आगे चलती है, क्योंकि आज भाई दूज है, शाम को कलेक्शन में इम्पैक्ट पड़ सकता है ऐसा फिलहाल समझ में आ रहा है। मैं चीज़ों पर नज़र बनाए रखूंगा और जैसे भी होगी अपडेट मैं दूंगा, क्योंकि अगर भाई दूज का बड़ा इम्पैक्ट पड़े क्योंकि महाराष्ट्र में फिल्म ज़्यादा अच्छी तरह से चल रही है, महाराष्ट्र में भाई दूज जोर शोर से मनाया जाता है, ऐसे में अगर इस तरह का इम्पैक्ट पड़ा तो फिल्म कलेक्शन पर भी इसका असर दिखेगा, जो जैसा भी होगा मैं बताऊंगा। तो फिलहाल आप कितने खुश हैं, एक्साइटेड है, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। 40% ऑक्यूपेंसी फर्स्ट डे के हिसाब से सिमिलर है। अब आफ्टरनून बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है जिसमें कह रहा हूँ, और आज फैमिली ऑडियंस अगर इस फिल्म को देखने आती है तो फिल्म को अच्छा खासा प्यार मिलने वाला है। धन्यवाद।